दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हार्ड ड्राइव के एक पार्टीशन कैसे कर सकते हो और अगर आप किसी जो पार्टीशन है उसको कैसे उसको डिवाइड कर सकते हो और कैसे मर्ज कर सकते हो, आपस में दोनों कंबाइन भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास एक सी ड्राइव है जो कि 500 GB का है, सिंगल पार्टीशन। आप देख सकते हो 476 GB इसका जो स्पेस है वो दिखा रहा है, टोटल स्पेस। अब दोस्तों हम इसके दो पार्टीशन करेंगे और फिर दोनों को दोबारा से मर्ज कर देंगे एक में ही। दोस्तों आपने कई सारे प्रोसेस देखे होंगे कि कंट्रोल पैनल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली दोस्तों एक स्टेप मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बताऊँगा जिससे कि आप बहुत आसानी से अपना वो बना सकते हो। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, CMD से भी आप चेक कर सकते हो डिस्पार्ट लिख के। उसके बाद आपको टाइप करना है लिस्ट डिस। दोस्तों आप देख सकते हो 476 का एक ही पार्टीशन है हमारे पास हार्ड ड्राइव में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके दो पार्टीशन कैसे कर सकते हो। दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। दोस्तों मैनेज पे जाने के बाद आप देख सकते हो डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है। उसके बाद जो पार्टीशन है वो शो हो जाएगा, उस पर राइट क्लिक करके सिंक वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। दोस्तों आप देख सकते हो एक नया पॉपअप आएगा खुल के, उसके बाद आप देख सकते हो टोटल साइज हमारा वो दिखा रखा है। और जो ब्लू कलर में जो भी आपके नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप जो भी आप पार्टीशन बनाना चाहते हो 100 GB, 200 GB, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। 500 GB में से वो माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पे 250 GB का बनाता हूँ। तो 250 के बाद आपको 3 0 और लगानी है लास्ट में, उसके बाद श्रिंक कर देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हो अनलोकेटेड हो गया है, इसको सिंपली न्यू वॉल्यूम करके नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम का नेम भी चेंज कर सकते हो, D रखना चाहते हो या EFGHI, जो भी आपको वॉल्यूम का नेम रखना है वो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से आप फॉर्मेट टाइप चूज़ कर सकते हो, NTFS में करना है या किस में करना है। देन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपनी जो वॉल्यूम है उसका नेम भी चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी नेम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लोकल डिस्क डाल देता हूँ, वो ऑटोमेटिक लोकल डिस्क D आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट देन फिनिश। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो ड्राइव है वो पार्टीशंस हो चुके हैं, उसके अलग अलग पार्टीशन हो चुके हैं। एक 232 GB का है, 264 का है। अब हम इन दोनों ड्राइव्स को आपस में मर्ज कर देंगे। ये पहले आपको डिलीट करना है जो आपने नया बनाया था, उसके बाद जो पुराना वाला है उसको एक्सटेंड वॉल्यूम करना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दोस्तों आप देख सकते हो जो पार्टीशन है वो सिंगल पार्टीशन हो गया है हमारा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं इसको दोबारा से वही पार्टीशन कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे ज़रूर। दोस्तों मैं दोबारा से इसको एक पार्टीशन का नाम दे देता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक।